बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्विंग विद दीवा, और आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत एक नेक ड्रेस बनाना बताएंगे जो कि हम 4 to 5 ईयर बेबी के लिए यहाँ बनाएंगे। सो फर्स्ट देखें, इसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है इस तरह से, और फर्स्ट हम इस फैब्रिक की लेंथ और विड्थ देख लेते हैं। आज मैंने इसमें से कुछ फैब्रिक कटिंग नहीं किया। फर्स्ट हम फैब्रिक की लेंथ देख लेते हैं। तो इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो हमने ली है 42 इंच इस तरह से, और ये डबल फोल्ड फैब्रिक है इस तरह से, और 22 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है जैसे कि हमने बताया डबल फोल्ड में। सो फर्स्ट इसे हम रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे इस तरह से। फर्स्ट हम बैक पीस इसमें से निकालेंगे, उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह देखिए हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। तो अब इसे मेजर करते हैं हम, ये कितना है, हमें 14 इंच चाहिए। तो ये देखिए 14 इंच आ रहा है। अब इसके ऊपर हम ग्राफ बना लेते हैं। बस हम बैक की कटिंग करेंगे, बैक की कटिंग करने के बाद हम फिर फ्रंट की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट की कटिंग में हमें चेंजिंग करनी है जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, और इसके साथ ही हम शॉर्ट बनाएंगे। सो फर्स्ट हम बैक के पीछे कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ हम बंद हिस्से से शोल्डर ले लेते हैं जो कि है 5.5 इंच यानी 5.5 इंच, शोल्डर डीप लेंगे 6 इंच, और इस लाइन को हम कर लेंगे सीधा। चेस्ट पार्ट मेजर करेंगे, 7 इंच जो है यहाँ चेस्ट है, 1/2 इंच हम स्लाइड का ऐड करेंगे, और 1/2 इंच कटिंग का मार्जिन, तो ये हो जाएगा 8 इंच। तो हम यहाँ 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ मेजर करेंगे, 20 इंच जो है इसकी तैयार लेंथ है, 1 इंच जो है हम कटिंग का मार्जिन ऐड कर लेंगे, तो 21 इंच। 21 इंच को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे फर्स्ट, और अब इस निशान को हम इस निशान के साथ मिला देंगे, ये देखें इस तरह से, और यहाँ हम दे देंगे डीप की गुलाई। और अब यहाँ हम नेक मेजर कर लेंगे, नेक की जो विड्थ हम रखेंगे वो हम रखेंगे 2.5 इंच एंड 2.5 इंच, और डीप इसे हम बैक से रखेंगे 2 इंच, और 2.5 इंच का हम यहाँ कट डालेंगे। 2 इंच के यानी नेक की जो है वो लंबाई होगी, और 2.5 इंच हम यहाँ कट डालेंगे। अब यहाँ से नीचे से हम राउंड शेप दे देंगे, 1.5 इंच पर हम एक मार्क करेंगे, और यहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए ग्राफ कंप्लीट है, अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब बैक की पीस को साइड पे करते हैं। फ्रंट की कटिंग करने के लिए इस तरह देखिए इसे फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर हम रखेंगे शेप को इस तरह से। अब देखें फर्स्ट हम शोल्डर डीप को मेजर करेंगे कि कितना आ रहा है। तो देखिए ये आ रहे हैं 8 इंच, इस तरह से 8 का 1/2 होगा 4 इंच, और 4 इंच हमें इसमें पेटी निकालनी है, तो 1/2 इंच इसमें हम और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ स्टाइल में तबले का मार्जिन भी हम इसमें रखेंगे, और सेम यही मार्किंग हमने यहाँ कर लेनी है। देखें 4.5 वाले निशान यहाँ लगा लेंगे, और इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। इसे कटिंग कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब हमने इसे इस तरह से रखना है जहाँ से हमने बैक का पीस निकाला था, ये देखिए यहीं से हम इसके लिए पीस निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से आएगा, और जितना एरिया है इसमें इस तरह चुनों में आएगा। तो सेम मैं चुराई लूँगी, इसमें हमें बाहर की तरफ से लेंगे खुले हुए तरफ से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और इस निशान को हमने इस तरह से तिरछा मिला देना है। चुराई वही 14 इंच वाली है। अब इसे हम कटिंग करके निकाल लेते हैं फर्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 इंच जो है ये ऊपर हम इस तरह से रखेंगे इसके, और अब इसमें लंबाई भी मेजर कर लेते हैं। तो लंबाई हमें चाहिए थी 21 इंच, 21 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इसे भी हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है, सेंटर में एक कट लगा देंगे इसके भी, और इस साइड पे भी हम सेंटर में कट दे देंगे। अब देखें इसे इस तरह से जब ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगी प्लेट्स, यहाँ छोटी छोटी से प्लेट्स दे देंगे, और इस फुल फैब्रिक को हमने इसके अंदर कवर कर देना है, और इस साइड से भी हम इस तरह से प्लेट दे देंगे। सो इसकी कटिंग कंप्लीट है। अब इसे साइड पे करते हैं, और जो फैब्रिक बचा है उसमें से हम कर लेंगे शॉर्ट की कटिंग। तो इसे साइड पर कर देते हैं। देखें ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हमने पेंटी निकालनी है। तो फर्स्ट इसे इस तरह से देखें फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड, और डबल फोल्ड होने के बाद इस
इसकी जो चुराई है वो आ रही है हमारे पास 19 इंच इस तरह से, और इसे आप कर लेंगे हम 4/4। देखें आप जो इसकी चुराई है वो 9.5 इंच आ रही है इस तरह से। सो फर्स्ट हम इस पर एक मार्क करेंगे 1.5 इंच का, और इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। और अब यहाँ से हम क्रोच एरिया मेजर करेंगे। क्रोच एरिया हम जो यहाँ रखेंगे 8 इंच का लेंगे, और हिप का साइज जो हम लेंगे वो भी 8.5 इंच पे हम लेंगे, और इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। यहाँ हम राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद हम इसमें लेंथ मेजर करेंगे, तो तैयार लेंथ इसमें आएगी 11 इंच इसमें तैयार आएगी, और इसमें हम 1 इंच और ऐड कर लेंगे फोर फोल्डिंग के लिए। तो ये हो गई तैयार 12 इंच, 11 इंच हमारे पास तैयार आ जाएगी। इस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम बॉटम ले लेंगे जो कि है 6 इंच। 5 इंच जो है बॉटम है, 1/2 इंच कटिंग का मार्जिन, और 1/2 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन हमने यहाँ ऐड किया है, और इस तरह से हम यहाँ इसे अटैच कर देंगे। तो ग्राफ कंप्लीट है, इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें इस तरह से हमने शोल्डर कटिंग कर लिया है। अब इसको साइड पे करते हैं। तो शर्ट को रेडी करने के लिए फर्स्ट हम फ्रंट पीस को रेडी करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ हम एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे, और यहाँ हम दे देंगे एक छोटा सा कट। यहीं से हमने चुने स्टार्ट करनी, यहाँ तक रोक देनी है, और यहाँ से हमने इस तरह चुने देनी है। ये देखिए, यानी यहाँ से हम चुने स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक दे देंगे। चलो चुने जाते हैं। अब सेंटर कट को सेंटर से मिलाएंगे, और यहाँ जो हमने 3 इंच का सेंटर से निशान लगाया है यानी 6 इंच टोटल, यहाँ से हमने प्लेटों को स्टॉप कर दिया, यानी यहाँ तक हमने फैब्रिक तक प्लेटों को लेके आना है। सो फर्स्ट हम देखें सेंटर से एक बॉक्स प्लेट देंगे इस तरफ, यानी हमने इसका रुख रखना है, और दूसरी वाली जो प्लेट होगी उसका रुख जो है हम अपोजिट साइड पर रखेंगे, यानी इस डायरेक्शन में रखेंगे। ये देखें इस तरह से, और यहाँ हम एक पिन कर देंगे फर्स्ट। ये देखें इस तरह से, अब ये प्लेट इस तरफ डली है तो बाकी प्लेटों को भी हम इसी तरफ डालते जाएंगे, और ये प्लेट इस तरफ है तो बाकी प्लेट को हम इस तरफ डालते जाएंगे। सो इसी तरह से हम सब प्लेटों को डाल के कवर करेंगे, यानी जितना ही फैब्रिक है हमने यहाँ तक इसको लेके आना है चुनों से। ये देखें यहाँ तक तो फैब्रिक बराबर होगा, लेकिन यहाँ तक जो है हमें प्लेट लेके आनी है। तो चलो अब इस पर चुन डालते आते हैं, यानी प्लेट डालते जाते हैं और इसे कवर कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से कट से हम मिला के देखेंगे। ये देखिए प्लेट जो है वो बिल्कुल कट तक आई है, और ये वाला पीस को हम इस तरह अटैच कर देंगे। सेम इसी तरह से हम इस साइड पे प्लेट डाल के पिन आउट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने फुल प्लेट डाल के इसे कवर कर लिया है, और इसके अकॉर्डिंग हम इसे ले आए हैं जो कि हमने 6 इंच का कट लगाया था। ये देखिए सेंटर से सेंटर, और ये बिल्कुल देखिए कट के अकॉर्डिंग आ गए हैं दोनों साइड। ये देखिए, ये देखिए अब हमने इसे स्टिच करना है, और यहाँ से देखें जो इसका डिस्टेंस बचा है वो 3 इंच है इस साइड से, और 3 इंच ही इस साइड से। अब हमने इसे इसके ऊपर अटैच करना है, तो फर्स्ट तरह से रखेंगे बॉक्स प्लेट से कट को मिलाएंगे, और यहाँ इसे फुल स्टिच कर देंगे, और इस साइड से हम इसे इस तरह से फुल स्टिच कर देंगे। इसे स्टिच कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर नेक कटिंग करना है हमने, और नीचे की जो राउंड शेप है वो भी हमने इस पर देंगे। सो फर्स्ट इसे हम स्टिच कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब इसे हम दोबारा डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसकी जो शोल्डर की कटिंग है वो करेंगे, और नीचे से इसकी जो 1.5 इंच वाली कटिंग है वो भी हम करेंगे। इस तरह से, और यहाँ से हम शोल्डर भी डाउन कर देंगे। देखिए 2.5 नेक है, तो यहाँ तक हम शोल्डर 1/2 इंच डाउन कर देंगे इस तरह से। और नेक की कटिंग भी कर लेंगे साथ ही, तो यहाँ नेक मेजर कर लेते हैं। 2.5 इंच नेक की विड्थ रखेंगे। बैक नेक हमने 2 इंच का रखा था, फ्रंट नेक हम 3 इंच का रखेंगे, और यहाँ राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। और बैक नेक देखें इसके ऊपर ग्राफ बना हुआ है इसका, ये देखेंगे ग्राफ। तो बैक नेक हम कटिंग कर लेते हैं 2 इंच पे, और फ्रंट नेक की भी कटिंग कर देते हैं सिर्फ फ्रंट के ऊपर।
सर ढाई इंच पे हमने कट लगाया था, ये देखिए ढाई इंच वाला ही कट है ये। यहाँ हम इस तरह से कट डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। और हम नीचे की जो शेप है गुलाई की उसे भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए जिससे ऐसी कटिंग कंप्लीट है, अब हमने इसे स्टिच करना है। ये देखिए फर्स्ट हम इस तरह से इसे ओपन करेंगे और दोनों जो सीधी साइड है उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और यहाँ हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो शोल्डर स्टिच करने के बाद इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और फर्स्ट बैक कट है जो इसे रेडी करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इस तरह से स्टिच ली है, इसमें मैंने इस तरह से कट डाल दिया है, इसे हम इस तरह से देखे रखेंगे और यहाँ हम स्टिच कर लेंगे और इसे बैक तरफ टर्न करने के बाद यहाँ एक सिलाई लगा देंगे। इसे रेडी करने के बाद जिसके मैंने बताया हम यहाँ बेल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने बेल ली है कंट्रास्ट में आदर्शी कलर पे। यहाँ हम इस तरह से देखे रख के ये बेल लगा देंगे जो कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगेगी। बेल को लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। देखें इस तरह से हमने इसे बेल लगा के रेडी कर लिया है और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद बैक की पट्टी जो थी वो भी रेडी कर ली है। तो अब इस पर हमने नेक रेडी करना है और शोल्डर रिप को रेडी करना है। यहाँ देखिए इस तरह से मैंने ये क्रॉस पाइपिंग ली है जिसे हम क्रॉस स्ट्रिप भी बोलते हैं, ये मैंने इस तरह से ली है। इसे हमने फर्स्ट नेक से लगाना स्टार्ट करना है। तो देखें इस तरह से फर्स्ट इसे हम ओपन करते हैं। ये देखें इसे हमने इस तरह से लगाना है, दोनों जो सीधे फैब्रिक है वो अंदर की तरफ होंगे और रॉन्ग साइड जो है हम बाहर की तरफ रखेंगे। और इस तरह से हमने इसे रखना है और थोड़ी सी जो पाइपिंग है उसे हम बाहर की तरफ इस तरह से निकाल के रखेंगे और फिर इसे हम बैक की तरफ इस तरह से टर्न कर देंगे। देखें इस तरह से, और फिर हम यहाँ फुली से स्टिच कर लेंगे। और जब दूसरे वाले कॉर्नर पे हम आएंगे इस तरह से, तो देखें इस तरह से हम यहाँ सिलाई लगाएंगे और इसे भी थोड़ा बाहर निकाल के रखेंगे और फिर इसे भी इस तरह से हम बैक की तरफ टर्न करके यहाँ सिलाई कर लेंगे। इससे ये होगा कि जब इसे हम टर्न करेंगे तो ये देखें इस तरह से फिनिशिंग के साथ कॉर्नर बन जाएगा, फिर हम इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे पैकिंग कर लेंगे और शोल्डर डिप पे जैसे हम सिंपली पैकिंग करते हैं इस तरह से करने के बाद, देखिए इस तरह से डबल फोल्ड रखेंगे, इस तरह से फुल पैकिंग कर लेंगे और फिर इसे बैक की तरफ टर्न कर लेंगे। इसे पैकिंग करने के बाद हम इस साइड की फिटिंग भी लगा देंगे दोनों साइड की, और दामन को हम फर्स्ट सिंगल फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। इसे रेडी करने के बाद इस पर हम बेल लगा लेंगे। ये देखिए हमने बेल ली है, इस पर फुल हम राउंड पे लगा के इसे रेडी कर लेंगे। तो ये कंप्लीट है, अब हम शॉर्ट को रेडी कर लेते हैं, यानी जिसकी पैंटी है उसे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए अब हम शॉर्ट को रेडी कर लेंगे। फर्स्ट इसे देखिए इस तरह से हमने ओपन करना है, दोनों जो सीधे पार्ट है वो अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद फर्स्ट हम क्रोच एरिया को स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड के क्रोच एरिया को स्टिच करने के बाद नीचे का जो बॉटम है इसके यानी जिसके पैंचे है इसे हम इस तरह से फोल्ड करके डबल रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे, फिर साइड की फिटिंग लगाने के बाद यहाँ बेल्ट डालेंगे। तो चलिए इसे भी रेडी कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इसका फुल नाइटी का फुल लुक देखेंगे।
सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।